हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि विनका की कटिंग कैसे लगाते हैं। गर्मियों में विनका के प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और ऐसी भीषण गर्मी में भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही लो केयरिंग प्लांट होते हैं। तो इनकी कटिंग कैसे लगानी है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप गर्मियों में भी विनका प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि इस तरीके से हमें छोटी छोटी टहनी ले लेनी है और ये मैं अपने प्लांट से कटिंग तोड़ कर लाई हूँ। तो इस तरीके से हमें ढेर सारी कटिंग ले लेनी है और इनकी जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उनको रिमूव कर देना है। और जो फ्लावर जैसे आप देख रहे हैं, आप सोचते कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, इनको रहने देते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। जितनी भी इनकी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं, फ्लावर हैं, उनको हमें कट कर देना है, क्योंकि जब हम इनकी कटिंग लगाते हैं, कोई भी प्लांट्स की आप कटिंग लगाते हो, तो आप हमेशा यही करिए, जो भी एक्स्ट्रा लीव हैं उनको कट कर दीजिए और जो भी फ्लावर या कलियां बनी हुई हैं उनको भी हमेशा रिमूव कर दीजिए, क्योंकि प्लांट्स ये जो फ्लावर होते हैं प्लांट की एनर्जी को लेते हैं और ये कटिंग बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जब इनकी जड़ें बनती हैं तो जो फ्लावर है उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी को खींचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो कटिंग है आपकी वो नहीं लग पाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उनको रिमूव कर देना है। इसके बाद हमें लेना है किसी भी पुराने गमले की मिट्टी। आप ज़रूरी नहीं कटिंग लगाने के लिए कोई नई मिट्टी तैयार करें, कोई भी आपकी पुरानी मिट्टी हो, बस ये है कि आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए और हमेशा ही कटिंग लगाने के लिए सॉफ्ट मिट्टी का यूज करें तो ज़्यादा बेहतर से कटिंग लगती है। तो देखिए मैंने इसको गीला कर दिया है गमले को और मिट्टी जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है और इसके बाद जितनी भी कटिंग है मैं इस तरीके से अपने गमले में लगा दूंगी। और देखिए कटिंग जो है वो हमारी हिलनी नहीं चाहिए। देखिए जो भी एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं या फ्लावर है मैं उनको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि अगर कटिंग आपकी हिलेगी तो फिर वो लग नहीं पाएगी। तो हमेशा कटिंग जब भी लगाएं तो ऐसी लगाएं कि मतलब आपकी जो कटिंग है वो हिले डुले ना। और इसको फिर कटिंग लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप ना आती हो। 3 से 4 दिन बाद आप इसको धूप में रखिए, तो इसके बाद ये आपकी कटिंग जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी, क्योंकि अगर इनमें धूप पड़ेगी तो ये कटिंग शायद सूख भी जाए। तो इसलिए हमें ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पर धूप ना आती। और जैसे ही आप 3-4 दिन बाद देखेंगे कि आपकी कटिंग जो है वो मुरझा नहीं रही है, उसके बाद आप इनको धूप देने लगिए। और वो भी ज़्यादा धूप में हमें नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की धूप इनको देनी है और हफ्ते भर में ही आपकी कटिंग तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरा लगभग 4 से 5 दिन का अपडेट है और मैंने बहुत सारी कटिंग तैयार कर चुकी है। अगर इन्हें मुरझाना होता तो ये अभी तक मुरझा गई होती, हालांकि अभी इनमें जड़ें नहीं आई होंगी, लेकिन हाँ 7 से 8 दिन बाद इनमें जड़ें आ जाएंगी। तो आशा कर वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।